हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट की श्रृंखला में। प्रश्न संख्या है 13, यानी कि क्वेश्चन लाए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैदागोजी से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिए गया है। पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि श्रृंखला 17 रूप से चल रही है। प्रैक्टिस सेट की आगामी जो 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी सीटेट की परीक्षा में आए हुए हैं, जो सीटेट द्वारा अभी तक 2011 से लेकर 2023 तक की जो सारी परीक्षाएं करी जाएगी हैं उन्हीं से ही रिवाइज्ड क्वेश्चन हैं। अब हम लोग बात करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और देखते हैं कारण क्या है। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। आओ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, हालांकि विकास के क्षेत्र में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप में पढ़ा जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है इमोशनल यानी भावात्मक, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल यानी शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर डी यानी सामाजिक यानी सोशल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट यानी संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्रारंभिक संस्था की भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मीडिया, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी कानून, ऑप्शन नंबर चार रिलीजियंस ऑर्गेनाइजेशन यानी धार्मिक संस्था। तो ऑप्शन नंबर ए जो प्राथमिक जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो संस्था निकाहती है सामाजिकरण का, वो है कौन सी, परिवार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीन प्याजे की संरचनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवेदीगामक, ऑप्शन नंबर सी बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट यानी संवेदी यानी जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है संवेदी गामक चरण के अनुसार के लिए अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 0 से 2 वर्ष के होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत वर्तमान भविष्य काल में सही संवेदी गामक में सीखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक में यानी मूर्त संक्रियात्मक में सीखते हैं या औपचारिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुपाल और दंड विन्यास को, ऑप्शन नंबर बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास को, ऑप्शन नंबर सी कानून व्यवस्था विन्यास, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक सापेक्षिक विन्यास। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेव वत्सकी ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस और किस की महत्ता पर बल दिया है, संस्कृति और उपकरण दंड पर दिया है, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पर दिया है, संस्कृत पारस्परिकता और चर्चाओं पर दिया है, जैविक परिपक्वता और पुरस्परता दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों पर महत्वता दी है। ना ना गलत हो गया, यानी सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को भूमिका निभानी चाहिए। विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के लिए। आदेशक जानकारी को निष्क्रिय ग्रहण करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी जानकारी संभव ज्ञान के बसवर्ती ग्रहणकर्ता के रूप में, ऑप्शन नंबर डी अनुदेशक या अनुसरण करता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, साधक होने चाहिए ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा छात्र पर, ऑप्शन नंबर बी अधिगमकर्ता व स्वमूल्यांकन पर, मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं व्यवहार के अनुकूलन पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनीता कौशल जैसे कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह से सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। तार्किक गणितीय संगीतीय बुद्धि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि अतिवैतिक। तो ऑप्शन नंबर ए तार्किक गणितीय बुद्धि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, आओ देखते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन और कारण दिया है, निजी बाग विद्यार्थियों के उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों का के विकास में बाधक होता है। सही विकल्प चुनें। अब देखते हैं सही विकल्प, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ने, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरण की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि व्यक्तिगत और वातावरण कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझाना चाहती है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए रचनात्मक मूल्यांकन को, योगात्मक मूल्यांकन को, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप में यानी मानक संवर्धित मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन को उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़वादियों को सक्रिय करें। ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहार ही मनाएं। ऑप्शन नंबर सी, गौर समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। ऑप्शन नंबर डी, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विचारों की अन्वयता। ऑप्शन नंबर बी, परासंज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, स्व पूछताछ व स्व आकलन। ऑप्शन नंबर डी, सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी रिजिडिटी ऑफ द थॉट, यानी विचारों की अन्वयता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
समावेशी शिक्षा में निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों को, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थियों, जो वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, निम्न निम्न सामाजिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फिर वेर बदल कर देना, निम्न में से किसके स्थापित? मस्तिष्क पश्चात के पठन विकल्प से, सुधीनता से, यानी गतिमान आवश्यकता से। तो हो जाएगा पठन डिसलेक्सिया, पठन विकल्प से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक और संप्रेषण कौशल से, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी एकाग्रता की क्षमता से, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक समन्वय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी सामाजिक और संप्रेषण कौशल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें कभी भी अधिगम आसक्तता नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर बी उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमता की कमी होती है, ऑप्शन नंबर सी उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत छीण होती है, ऑप्शन नंबर डी वो अभिव्यक्ति में प्रभाव और विवर्धन दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना, ऑप्शन नंबर बी मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य से परिपूर्ण करना, ऑप्शन नंबर डी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जाएगा, यानी कि संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बच्चों से की ओर सीखते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से जटिल। तो बच्चे हमेशा सरल से जटिल की ओर सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्त जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी? अधोर रेखांकन और चिन्हांकित करना, चिन्हांकित करना, ऑप्शन नंबर बी स्मर्थ सहायक विधियों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर सी उदाहरण का सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी कि निष्क्रिय अनुवाचन करना वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे द्वारा पाठ को पढ़ा तो जाता है परंतु अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अतः ये अधिगम युक्त जानकारी के प्रकरण को प्रभावशाली नहीं होगी। जबकि अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग होता है, तथा उदाहरण सृजन करना ये सभी अधिगम जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन कारण है गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्य को पढ़ाने में अप्रासंगिक होते हैं। अब सही विकल्पों का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबंधित करने के लिए
प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन के को सुधारती है। अपसारी को, अभिसारी को, बाह्य रूप से अनुकूलित को, अकार्तिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, तो अपसारी चिंतन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी में की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें इस्तेमाल हेतु प्रत्यापित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय को, प्रतन त्रुटि विधि को, अनुरूपण चिंतन को, ऑप्शन नंबर सी कंठ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी अनुरूपक चिंतन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने हेतु प्रतिबिंब करने तथा अनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को कहा जाता है। कंतिष्टीकरण कहा जाता है, विस्मरण कहा जाता है, चयनात्मक ध्यान कहा जाता है, परासंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, परासंज्ञान कहा जाता है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जानकारी प्रकरण कौशल जैसे कि अनुसरण में हो, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। अगले क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा के नकारात्मक रूप से प्रभावित होती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि जानकारी प्रकरण कौशल जैसे कि अनुसरण भावनात्मक के से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि वे जानकारियों जो मानव की भावनाओं से जुड़ी होती हैं उन्हें तटस्थ घटनाओं की तुलना में अधिक बार और अधिक स्पष्टता से विस्तार के साथ याद करने की संभावना अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए जानने की उत्सुकता के प्रति, ऑप्शन नंबर बी संप्रदाय को समझने के प्रति, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी संदेशों को दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली है होता है और अर्थपूर्ण भी होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, ऑप्शन नंबर सी लर्न अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अधिमुखी हो, अगला विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन का के अवसर ना दिए जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, विषय जो है वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को स्वाभावित करता है, योग्यता का वर्धित मत, आसपास का विकरण, भाषा की अवनिकता, ऑप्शन नंबर सी डी तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी योग्यता की वर्धित मत। आओ दोस्तों आज के लिए इस श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से लोग जुड़ें और पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आगामी होने वाले पेपर में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली श्रृंखला।